एक बार एक लड़के और एक लड़की की फेसबुक पर दोस्ती हुई। इस दोस्ती की खास बात यह थी कि लड़की ने लड़के को देखा हुआ था, पर लड़के ने कभी भी लड़की को नहीं देखा था। दोनों एक ही शहर में रहते थे, पर मुलाकात नहीं हुई थी कभी, बस ऑनलाइन ही फ्रेंडशिप थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जैसा कि लड़के और लड़की की दोस्ती में हो ही जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, रोज घंटों घंटों तक दोनों चैटिंग हुआ करती थी। फिर दोनों ने सोचा कि अब इस प्यार को अब कोई शक्ल भी देना चाहिए, तो दोनों ने तय किया कि कल शाम के 4 बजे वो पार्क में मिलेंगे। लड़के ने पूछा कि मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा, तो लड़की ने कहा कि मैं पिंक ड्रेस में आऊंगी और मेरे हाथ में एक सफ़ेद गुलाब होगा। लड़का अगले दिन शाम को बहुत खुशी खुशी उस लड़की से मिलने गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा तो वह चौंक गया। वहां एक मोटी बदसूरत औरत खड़ी थी पिंक ड्रेस में, जिसके हाथ में एक सफ़ेद गुलाब था। उम्र भी उसका ज़्यादा थी उस लड़के से, लेकिन लड़के ने वो सारी प्यार भरी बातें याद की और आगे बढ़कर उस लड़की के पास जाकर बोला आई लव यू और कहा मैं ही तुम्हारा वो फ्रेंड हूँ जिसे मिलने तुम यहाँ आई हो। यह सुनकर उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम मिलने आए हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो उधर पेड़ के नीचे खड़ी है। फिर उस औरत ने उस लड़की को आवाज़ देकर बुलाया। लड़की ने आती ही पूछा क्या अगर तुम इतना ही प्यार करते हो जिसे तुमने चाहा वो ये लड़की होती तो? इसका जवाब उस लड़की ने दिया कि इस लड़के ने देखा दिया कि ये सच्चा प्यार करता है तुमसे, वरना ये मुझे देखकर यहाँ से ये वापस भी जा सकता था, क्योंकि मैं तो उसे पहचानती भी नहीं थी। लड़के ने भी कहा मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें अपने ख्वाबों में सजाया है, हर पल तुम्हारी मीठी बातों की महसूस किया है, उसकी खुशबू को दिल में सजाया है महसूस किया है, और इस सब में तुम्हारी कोई तस्वीर तो नहीं थी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया है तो किया है, चाहे जो भी हो। लड़की ये सुनकर उस लड़के को गले से लगा ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उससे यह सच्चा प्यार करने वाला साथी जो मिल गया था। दोस्तों, प्यार अंधा होता है, इसे करने के लिए किसी साफ इंसान की नहीं बल्कि साफ दिल की ज़रूरत होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़।